नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में क्रिप्टो करेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे। हम जानेंगे क्रिप्टो करेंसी का इंडिया में फ्यूचर और उसकी टैक्सेशन के बारे में। सबसे पहले आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन आता होगा कि जो हम क्रिप्टो करेंसी में आप लोग ट्रांजेक्शन करते हैं वो इंडिया में लीगल है या नहीं है। तो इसका जवाब है, ये ट्रांजेक्शन इंडिया में पूरी तरह से लीगल हैं। 4 मार्च 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया था और आरबीआई द्वारा लगाए गए सभी बैनों को हटा दिया था। इसके लिए आप 5 मार्च 2020 का इकोनॉमिक्स टाइम का आर्टिकल पढ़ सकते हैं, जिसमें उसने लिखा है, द सुप्रीम कोर्ट दिस मॉर्निंग स्ट्रक डाउन आरबीआई कर्ब्स ऑन क्रिप्टो करेंसी ट्रेड इन इंडिया कॉलिंग देम इनलीगल। तो इससे आप कह सकते हैं कि जो ट्रांजेक्शन क्रिप्टो करेंसी में अभी हो रहे हैं वो पूरी तरह से लीगल हैं। अब आप लोगों के मन में विचार आता है कि क्रिप्टो करेंसी का इंडिया में फ्यूचर क्या है, क्या गवर्नमेंट उसको दोबारा बैन करने वाली है। तो जो लोग क्रिप्टो करेंसी में ट्रांजेक्शन करते हैं उसके लिए खुशखबरी है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपनी खुद की एक क्रिप्टो करेंसी ला रही है, या आप कह सकते हैं कि इंडिया की एक खुद की क्रिप्टो करेंसी होगी जिसका नाम सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC होगा। रिसेंट रिजर्व बैंक ने ट्वीट किया है जिसमें उसने लिखा है, दिस इज द फ्यूचर ऑफ मनी। आप 22 जुलाई 2021 का इकोनॉमिक्स टाइम्स का आर्टिकल देख सकते हैं जिसमें लिखा गया है कि द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज वर्किंग टूवर्ड्स ए फेज्ड इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी ऑफ ए CBDC। तो मोस्ट प्रोबली इस विंटर सेशन में ये बिल हमारे पार्लियामेंट में पारित भी हो जाएगा और इंडिया को अपना खुद का गवर्नमेंट रेगुलेटेड क्रिप्टो करेंसी मिल जाएगा। उसके बाद आज की डेट में इस पे टैक्स कितना लगता है, या आप जो प्रॉफिट या लॉस अर्न कर चुकी हो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं, आपको क्रिप्टो दो तरीकों से मिलता है। एक माइनिंग के थ्रू, माइनिंग मीन्स जब आप अपने कंप्यूटर स्किल का प्रयोग करके कंप्यूटेशनली डिफिकल्ट जो पजल्स होते हैं उसको सॉल्व करते हैं तो एज ए रिवॉर्ड आपको एक क्रिप्टो करेंसी मिलती है। सेकेंड, आपने क्रिप्टो करेंसी क्रिप्टो एक्सचेंज से परचेज की है, जैसे वजीरेक्स, कॉइन डीसीएक्स, कॉइन स्विच एक्सेट्रा। तो आपको क्रिप्टो करेंसी लेने के बाद जब आप इसको सेल करते हैं तो उस सेल वैल्यू को कैपिटल गेन में टैक्सेबल किया जाएगा या बिजनेस प्रॉफिट में। तो इसको डिस्कस करने के लिए हम इनकम टैक्स के प्रोविजन को पढ़ते हैं, जिसके अकॉर्डिंग अगर आपने खरीदते समय इसको एज ए इन्वेस्टमेंट पर्पस परचेज किया था तो एट द टाइम ऑफ सेल आपको जो प्रॉफिट हुआ है वो एज ए कैपिटल गेन टैक्सेबल होगा, या आप फ्रिक्वेंट या सब्सटेंशियल ट्रांजेक्शन करते हैं और आपने इसे एज ए ट्रेडर परचेज किया था तो एट द टाइम ऑफ सेल जो भी इसकी इनकम होगी वो बिजनेस इनकम में टैक्सेबल होगी। अगर आपको और क्लेरिफिकेशन चाहिए तो आप सर्कुलर 6/2016 डेटेड 29 फरवरी 2016 ऑफ इनकम टैक्स आप रेफर कर सकते हैं। अब हमने पढ़ लिया कि कैपिटल गेन में टैक्सेबल होगा या बिजनेस इनकम में। अब हम इसके टैक्स रेट के बारे में जानते हैं। अगर आपने इन्वेस्टमेंट पर्पस से इसको खरीदा था तो आपका ये कैपिटल गेन में टैक्सेबल होगा। और रेट जानने से पहले हमें होल्डिंग पता करनी पड़ेगी कि ये शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है। अगर आपने इसको 36 महीने या उससे ज्यादा होल्ड करके सेल किया है तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में टैक्सेबल होगा, और या आपने इसको 36 में से कम में सेल किया है तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अकॉर्डिंग टैक्सेबल होगा। अभी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपके स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्सेबल होता है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन
आपका 20% फ्लैट रेट पे टैक्सेबल होगा और आपको इसके साथ इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी मिलेगा। लेकिन आपने एज ए ट्रेडिंग पर्पस इसको खरीदा था तो ये आपके बिजनेस इनकम में एज पर योर स्लैब रेट टैक्सेबल होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कि अगर आपको लॉस हो जाता है तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा? अगर आपका कैपिटल लॉस होता है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस के केस में ये ओनली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ हो सकता है और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस के केस में ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों से सेट ऑफ हो सकता है। लेकिन आपने अगर ट्रेडिंग पर्पस से क्रिप्टो करेंसी में ट्रांजेक्शन की और उससे आपको लॉस हुआ है तो आप इस बिजनेस लॉस को किसी भी अदर हेड और बिजनेस इनकम से सेट ऑफ कर सकते हैं एक्सेप्ट इनकम फ्रॉम सैलरी से। अब लास्ट बट सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर आपने कोई भी क्रिप्टो करेंसी में ट्रांजेक्शन की है उससे आपको प्रॉफिट या लॉस हुआ है तो आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जरूर भरें और इस ट्रांजेक्शन को डिस्क्लोज जरूर करें, क्योंकि आज के डेट में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके हर क्रिप्टो करेंसी ट्रांजेक्शन को बारीकी से देख रहा है और आपकी सारी डिटेल आपके क्रिप्टो एक्सचेंज एजेंसी से हेल्प से उसने प्राप्त कर ली है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी ये मैं आशा करता हूँ।